दोस्तों, मेरे पीछे जो तस्वीर लगी है उसको देखकर आप सब समझ ही गए होंगे कि आज इस वीडियो में किसकी बात मैं करने वाला हूं। सही समझे हैं आप, रविंद्र जाडेजा और महेंद्र सिंह धोनी की बात करने वाला हूं। क्योंकि जब चेन्नई सुपर किंग्स ने ट्रेड विंडो क्लोज होने से पहले जो अपने रिटेन प्लेयर्स और रिलीज प्लेयर्स की लिस्ट निकाली, उसमें रविंद्र जाडेजा का नाम था। और उसके तुरंत बाद, या कह सकते हैं उसके थोड़ी देर बाद, ज़्यादा देर नहीं हुई थी, थोड़ी देर बाद रविंद्र जडेजा ने इंस्टाग्राम अकाउंट पे, या कह सकते हैं अपने ऑल ओवर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया एमएस धोनी की फ़ोटो डालकर और अपने साथ फ़ोटो डालकर, जो कि आईपीएल 2022 की ये फ़ोटो है और जिसमें रविंद्र जडेजा एमएस धोनी को सैल्यूट कर रहे हैं। और नीचे उन्होंने एक कैप्शन भी लिखा, एवरीथिंग इज़ फाइन और हैशटैग रीस्टार्ट। इसका मतलब साफ साफ यही है कि महेंद्र सिंह धोनी और रविंद्र जडेजा और कह सकते हैं सीएसके की मैनेजमेंट के बीच में सब कुछ बिल्कुल ठीक है, सब कुछ बेहतर है और रविंद्र जडेजा सीएसके का पार्ट होंगे आईपीएल 2023 में। ये बहुत खुशखबरी की बात है और आईपीएल 2023 से जुड़ी ये बड़ी खबर है। तो बड़ी चीज़ अब यही है कि रविंद्र जडेजा सीएसके के लिए खेलते हुए दिखाई देंगे आईपीएल 2023 में। और तो और, ये जो रूमर्स के पुल बंधे हुए थे इतने लंबे टाइम से कि एमएस धोनी और रविंद्र जडेजा के बीच में रिफ्ट हो गया है, वो सब रविंद्र जडेजा ने सिर्फ एक पोस्ट के जरिए ये चीज़ क्लियर कर दी कि कुछ भी नहीं है। और एमएस धोनी को रविंद्र जडेजा एक टीचर मानते हैं, अपना बड़ा भाई मानते हैं, तो उनके बीच में मुझे कभी भी नहीं लगता था कि रिफ्ट होगा, क्योंकि मैच दर मैच सलाह लेते थे रविंद्र जडेजा एमएस धोनी से और कह सकते हैं कि हर छोटी छोटी चीज़ पर एमएस धोनी से सुझाव लेते थे, पूछते थे कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ। लेकिन जब आईपीएल 2022 में रविंद्र जडेजा ने कप्तानी संभाली और एमएस धोनी स्टेप डाउन अपने आप को कर लिया था कप्तानी से महेंद्र सिंह धोनी ने, उसके बाद उनके बाद एक सीनियर खिलाड़ी जो था वो रविंद्र जडेजा थे। अब उनको ही देनी थी क्योंकि एमएस धोनी हमेशा तो सीएसके के लिए खेलते नहीं रहेंगे। तो रविंद्र जडेजा को टेस्ट किया गया एज ए कैप्टन और काफ़ी बुरी कप्तानी करी रविंद्र जडेजा ने। बुरा वर्ड कहना ठीक नहीं होगा कि ठीक ठाक ही कप्तानी करी, क्योंकि उनकी कप्तानी में उनका खुद का फॉर्म कितना डिप हो गया था, बल्ले से इतने अच्छे रन्स नहीं आ पा रहे थे, गेंदबाजी में लगातार रन्स कंसीड कर रहे थे, वो विकेटें नहीं चटका पा रहे थे, तो खुद पर उन पर इतना प्रेशर आ गया था और कहीं ना कहीं एमएस धोनी को वापस दोबारा कप्तानी लेनी पड़ी वापस, क्योंकि कुछ आखिरी के मैचों से पहले रविंद्र जडेजा इंजर्ड भी हो गए थे, उनकी रिब्स में इंजरी हो गई थी। तो खबरें यही आ रही थी उससे मिलती जुलती कि महेंद्र सिंह धोनी और रविंद्र जडेजा के बीच में एक रिफ्ट आ गया है, इस वजह से रविंद्र जडेजा चेन्नई सुपर किंग्स छोड़ देंगे, कोई और फ्रेंचाइजीज की तरफ से खेलेंगे। और इससे पहले, यानी कि जब ट्रेड विंडो जब शुरू हुई थी उससे पहले एक और रूमर था कि चेन्नई सुपर किंग्स रविंद्र जडेजा को रिलीज़ कर सकती है, लेकिन इस मामले में चेन्नई सुपर किंग्स ने साफ इनकार कर दिया था कि हम रविंद्र जडेजा को छोड़ने नहीं वाले हैं, और ऐसा ही उन्होंने किया। तो आज 15 नवंबर है और 5 बजे तक आखिरी टाइम था, टाइम जो फ्रेम दिया हुआ था कि 5 बजे तक आप ट्रेड कर सकते हैं, रिटेन प्लेयर अपने बता सकते हैं, रिलीज़ कर सकते हैं। तो सब टीमों का वो सब अब सेट हो चुका है, लिस्ट भी बनकर तैयार हो गई है और कितना कितना टीमों के पास अमाउंट रिमेनिंग है, यानी पर्स में अमाउंट बचा है, वो भी सब साफ साफ सामने आ चुकी हैं। तो अभी के लिए सबसे खुशखबरी ये है आईपीएल से जुड़ी हुई कि रविंद्र जडेजा और एमएस धोनी के बीच में कोई रिफ्ट नहीं है, ये सब रविंद्र जडेजा ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर, या कह सकते हैं अपने ऑल ओवर सोशल मीडिया अकाउंट्स पर एक पोस्ट जारी करी जिसमें उन्होंने लिखा कि एवरीथिंग इज़ फाइन, एवरीथिंग इज़ बेटर और हैशटैग रीस्टार्ट। तो फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।